का राज है और मैमल्स लगातार 6 करोड़ साल से इस पृथ्वी पर राज करते आ रहे हैं। पर यही बात हम 6.5 करोड़ साल पहले की धरती के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि तब के समय में धरती के सभी जीव रेप्टाइल्स के आगे सिर चुकाते थे। पर कहा जाता है ना, धरती पर परमानेंट कुछ भी नहीं रहता और ना ही कभी आगे रहने वाला है, क्योंकि मिसल जॉय डीरा से भी करोड़ों साल पहले परमानेंट पीरियड में 100 शिकारी के तौर पर एक ऐसे राक्षस का राज चलता था। तो ना तो एक रेप्टाइल, ना तो एक रेप्टाइल थी और ना पूरी तरह से मैमल्स थी। पर उसकी बनावट, उसका रूप, उसकी चाल इसे सबसे अलग जीव बनाती थी। हालांकि ये जीव डायनासोर जितना विशाल नहीं थे, पर इसके डरावने चेहरे और हमले को देखकर कई पल के लिए डायनासोर भी डर जाते हैं। ये बात है 26 करोड़ साल पहले की, जब धरती पर एक ऐसे राक्षस का राज चलता था जिसे आज हम गॉर्गो नोक्सिया कहते हैं। गॉर्गो नोक्सिया के सदस्य काफी शक्तिशाली और ताकतवर हुआ करते थे और इन स्ट्रोमेशिया को सबसे बड़ा गॉर्गो नोक्सिया का सदस्य माना जाता है। वही अगर बात सैबर टूथ टाइगर की करें तो 10,000 साल पहले पाई जाने वाली ये मैमल भी धरती पर मौजूद लगातार सभी जीवों पर राज करती है। इसे भी इसके मुंह से बाहर निकले कैनाइन दांतों से पहचाना जा सकता है और इनके परिवार में भी कई सदस्य हुए और इनका सबसे बड़ा सदस्य माइलोडोन पॉपुलेटर था। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि हम जानेंगे कि क्या होगा जब माइलोडोन पॉपुलेटर और इंस्ट्रोमेशिया आपस में लड़ेंगे। साइज गॉर्गो नोक्सिया के अब तक के मिले सबसे बड़े स्कलबोर्ड की लंबाई 16 सेंटीमीटर तक थी, मतलब 60 सेंटीमीटर तक थी, और इनकी लंबाई 3.5 मीटर या 11.5 मीटर तक हुआ करती थी और इनका वजन 300 किलो से भी ज़्यादा हुआ करता था। वही इस माइलोडोन पॉपुलेटर की बात करें तो इनकी लंबाई करीब 2.5 मीटर तक हो सकती थी और इनकी वजन भी 500 किलोग्राम तक हो सकता था। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि गॉर्गो नोक्सिया माइलोडोन पॉपुलेटर से थोड़े बड़े थे, यानी कि दोनों का बैटल लगभग फेयर होगा। फाइटिंग एक्सपीरियंस गॉर्गो नोक्सिया काफी पुराने जीव थे, इसी के साथ इसका सामना भी कई शक्तिशाली जीवों से होता था और इसने इस धरती पर लाखों सालों तक राज किया। इसके समय में इसका सामना स्कुंडासॉरस और लुंडासॉरस जैसे शक्तिशाली डायनासोर से होता था और मैं आपको बता दूं कि ये सभी डायनासोर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और इनकी त्वचा किसी लोहे से मजबूत हुआ करती थी, जिसके बावजूद भी गॉर्गो नोक्सियास उनका शिकार कर लिया करते थे। वही इस माइलोडोन पॉपुलेटर की बात करें तो इसकी पत्ती इस धरती पर 25 लाख साल पहले हो चुकी थी और इसने भी इस धरती पर लाखों सालों तक राज किया और ये भी अपने समय के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे और इनका अपना सामना भी शक्तिशाली मैमोथ से होता था। पर ये बात जान ले, सेबर टूथ मैमोथ का शिकार अकेले कभी नहीं करते थे और ना ही मैमोथ स्कुंडासॉरस और लुंडासॉरस जितने एग्रेसिव थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गॉर्गो नोक्सिया के पास ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस। स्पीड एंड एजिलिटी गॉर्गो नोक्सिया के स्पीड का अनुमान लगा पाना अभी बहुत मुश्किल है, पर इसके पैरों की बनावट की ओर ध्यान दें तो इसके चाल रेप्टाइल्स की तरह होने के कारण ये थोड़े धीमे हुआ करते थे। साथ ही इसका धीमा पैर इसके धीमे होने की एक वजह थी, मतलब इसका छोटा पैर इसके धीमे होने की एक वजह थी। वही अगर हम स्पाइनोडोन पॉपुलेटर की बात करें तो इसकी रफ्तार 60 से 16 सेंटीमीटर या फिर 70 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी, कभी कभी तो ये 80 सेंटीमीटर तक भी पहुँच जाती थी। इसीलिए हम रफ्तार के मामले में ये नहीं कह सकते कि कौन ज़्यादा फुर्तीला हुआ करता था, फिर भी हम कह सकते हैं इस माइलोडोन रफ्तार के मामले में माइलोडोन नोक्सिया को पीछे छोड़ देता है। बाइट फोर्स गॉर्गो नोक्सिया का बाइट फोर्स कागधर पर चाय जाने वाले किसी भी मांसाहारी जीव से काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। इसके पास इसके 6 इंच बड़े दांत हुआ करते थे, जिससे ये अपने प्रतिद्वंद्वी पर 750 न्यूटन की बाइट फोर्स लगाकर उसे अनलेवन टुकड़ों में अलग कर देते थे। यहाँ तक के तो इसके दांतों के सामने ट्राइसेराटॉप्स की मोटी त्वचा भी नहीं टिक पाती थी।
और साथ ही अपने नुकीले क्लॉज जो डायनासोर जैसे विशाल थे उनसे भी अपने प्रतिद्वंद्वी को चीर कर उन्हें मार दिया करते थे। कोई स्मैलोडोन पॉपुलेटर की बात करें तो इनकी बाइट फोर्स 1000 न्यूटन से भी ज़्यादा हुआ करती थी, पर इतनी न्यूटन की बाइट फोर्स लगाने पर उनके जो कैनाइन टीथ थे वो टूट जाते थे। इसीलिए इन्हें अपने शिकार पर लगभग 30 न्यूटन की बाइट फोर्स लगाकर ही उन्हें पकड़ना पड़ता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्मैलोडोन ज़्यादा लंबे हुआ करते थे वो एक और ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। जहाँ स्मैलोडोन की बाइट फोर्स काफ़ी अधिक थी वही कार्बोनोक्सिया एक बार में ही ज़्यादा बाइट फोर्स इस्तेमाल कर सकते थे। तो जब भी कभी इन दोनों के बीच आमना सामना होता तो इस बात की ज़्यादा संभावनाएं हैं कि कार्बोनोक्सिया स्मैलोडोन पॉपुलेटर को मार डालता, क्योंकि इसके फसल्स 20 करोड़ साल से रिवर्ड होते आ रहे हैं, यानी कि इसकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। साथ ही स्मैलोडोन पॉपुलेटर गॉर्गोनोक्सिया जितने एग्रेसिव नहीं थे, ना ही उन्हें ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस था, और साथ ही गॉर्गोनोक्सिया अपने बड़े बड़े पैरों से स्मैलोडोन को कुचल कर उसे मार देता। साथ ही अगर स्मैलोडोन पॉपुलेटर ने गॉर्गोनोक्सिया पर हमला कर भी दिया तो भी गॉर्गोनोक्सिया को उसके दांतों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गॉर्गोनोक्सिया काफ़ी ड्यूरेबल हुआ करते थे। वही स्मैलोडोन पॉपुलेटर गॉर्गोनोक्सिया जितने ड्यूरेबल नहीं थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि गॉर्गोनोक्सिया की इस लड़ाई में जीत होगी। पर गॉर्गोनोक्सिया स्मैलोडोन को बाइट करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि स्मैलोडोन से इतने बड़े होने के कारण उसे बाइट करने के लिए बहुत नीचे झुकना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का बैटल जब तक होती रहेगी, यानी कि जब भी कभी इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो इन दोनों के पास ही अलग अलग खूबियां हैं जिससे ये सामने वाले को मार देंगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।